शिमला से ये खबर है, मंत्री यादवेंद्र गोमा ने अपना पदभार संभाल लिया है। यादवेंद्र गोमा को नई जिम्मेदारी मिली थी क्योंकि आप जानते हैं कि उनको सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी टीम में शामिल किया। कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, सीएम सुक्खू और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की तस्वीर जब यादवेंद्र गोमा ने अपनी कुर्सी संभाली है मंत्री। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक नई जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी, पहले विधायक लेकिन अब मंत्री, आने वाले वक्त के लिए क्या चुनौतियां? बिल्कुल, देखिए, युवा विधायक का जो है, इनको हम कह सकते हैं कि खिताब मिला है। जब ये पहली बार विधायक चुनकर आए थे जयसिंहपुर से, और अब एक युवा मंत्री के तौर पर भी 37 वर्ष के हैं, और आज उन्होंने राज्य सचिवालय में अपना कार्यभार संभाला, उनको जो कमरा मिला है। हालांकि अभी पोर्टफोलियो मिलने बाकी हैं, मुख्यमंत्री जब लौटेंगे उस दौरान, उसके बाद ही पोर्टफोलियो का वितरण होना है। और उसमें जो आज इन्होंने कार्यभार संभाला राज्य सचिवालय में, जो न्यू बिल्डिंग है, 625 नंबर कमरा इनको दिया गया है, और उस बिल्डिंग में बैठने वाले ये पहले मंत्री इस वर्तमान सरकार के भी, और जो पूर्व का हिमाचल प्रदेश में जो भी अभी तक का सरकारों का इतिहास रहा है, क्योंकि पुरानी भवन में ही ज्यादातर मंत्री जो है वो बैठते थे। और इनके पास चुनौतियां बहुत ज्यादा है, कांगड़ा को साधना है, एससी कोटे के मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उस हम कह सकते हैं कि जो एससी कोटा है उसके तहत इनको जो प्रतिनिधित्व मिला है, तो सभी जो प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व ये यहाँ पर करेंगे। और कांगड़ा एक बड़ा जिला है, 10 यहाँ पर कांग्रेस की सीटें हैं, एक निर्दलीय चुनकर आए हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को ही अभी समर्थन दिया है, तो 10-15 में से 10 सीटें कांग्रेस के पास होना है। और ऐसे में वहाँ पर पहले से ही चर्चाएं चल रही थी कि मंत्री केवल एक दिया गया है, और अब दूसरे मंत्री के तौर पर यादवेंद्र गोमा होंगे, तो ऐसे में कांगड़ा साधना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत हम कह सकते हैं कि अब आसान हो जाएगा। कांगड़ा चंबा की अगर सीट की अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, और इसके साथ साथ हालांकि इनसे भी पूछा गया कि देरी हुई है, एक साल का वक्त लगा है, तो इनका तर्क यही था कि विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन हमारे अगर बात करें तो सीनियर मिनिस्टर चंद्र कुमार चौधरी वहां पर थे, सीपीएस समय कांगड़ा से दो दो सीपीएस भी वहां से मिले हैं, कैबिनेट रैंक वहां पर मिला है, जिसमें आईटी के कैबिनेट रैंक गोकुल पटेल को मिला है। इसी तरह से आर एस बाली जो विधायक भी है उनको भी पर्यटन विभाग दिया गया है, तो उसका भी कैबिनेट रैंक उनको दिया गया है। बोर्ड निगमों में वहां पर नियुक्तियां मिली है, तो कांगड़ा को इग्नोर नहीं किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस मंत्री को लेकर जो एक इंतजार रहता है कि हमारे जिला से ज्यादा मंत्री होने चाहिए, वो इंतजार कहीं ना कहीं पूरा खत्म हो गया। प्रदीप, ये तो राजनीतिक चुनौतियों की बात हुई, किसी तरह के कोई कयास लगाए जा रहे हैं कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है यादवेंद्र गोमा को, कोई कयास? बिल्कुल, देखिए, अभी तक इसको लेकर चर्चाएं ही है, हालांकि इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन सा पोर्टफोलियो इनको मिल सकता है। और इसमें भी देखने वाली बात ये होगी कि अगर मंत्रियों के विभागों में रिशफल होता है तो उस स्थिति में उनके जो कुछ डिपार्टमेंट है वो इन नए मंत्रियों को दिए जा सकते हैं, या अगर मुख्यमंत्री को लगे कि मैं अपना कोई जो अपना उनके पास जो विभाग है, उनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट ऐसे विभाग हैं जो वो किसी दूसरे को दे सकते हैं, तो ऐसे भी विभाग हो सकते हैं मिले उनको मिले, या फिर किसी मंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को इनको देने को लेकर अगर इस तरह की बात होगी, तो ये चीजें भी हो सकती है। लेकिन अभी केवल चर्चाएं हैं, और अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री अंतिम फैसला क्या लेते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, उसके बाद फैसला भी करने वाले हैं, कल परसों में ये फैसले हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप ठाकुर, आपने जानकारी दी है इस खबर पर भी।